Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कट्टरवाद नेता इमरान मसूद आज मेरठ पहुंचे। इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन मायावती का एक भी चुनाव ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा हो। मायावती ने एक भी चुनाव भाजपा के साथ मिलकर नहीं लड़ा है। उनके साथ काम करने के लिए अखिलेश फिर भी तैयार नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश ढोंग करते हैं और मायावती हर काम को हकीकत में कर देती हैं। दोनों में यही फर्क है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान मसूद ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण ऐसे हैं, अगर दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। साथ ही इमरान मसूद ने मायावती से मिले सम्मान पर आभार व्यक्त किया। देखिए मेरठ बसपा कार्यालय पहुंचकर इमरान मसूद ने क्या कहा। आह्वान करने के लिए कार्यकर्ता बैठे, कहने के लिए बहन जी पर इल्जाम लगा देते। ये भी एक साल पीछे कि बहन जी पर इल्जाम लगा दिया कि भाजपा की बीटी बीटी तो आप जो मिलकर के सरकार बना ले, जो मिलकर के चुनाव लड़ ले और फिर आगे के दोबारा सरकार बना ले, फिर चुनाव लड़ ले, फिर सरकार बना ले। हमारे महान नेता जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए अखिलेश जी तैयार हैं, जो भाजपा से मिलकर चुनाव लड़के जीत के आए। बहन जी का एक तो चुनाव बताओगे भाजपा के साथ मिलकर लड़ाओ। देखिए मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान मसूद ने क्या कहा। देखिए अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहन जी ने मुझे प्रभार दिया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण ऐसे हैं कि दलित और मुस्लिम अगर एक मंच पे आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। उसी मुहिम के ऊपर मैं लगा। अच्छा बात करें पहले सपा और अब बसपा, कुछ दर्द निकल कर आ रहा था मंच पे कि आपको घर बैठे रहने दिया, निकालने दिया गया, जबकि यहाँ पर पूरी मेहनत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए ये दर्द मेरा नहीं है, ये दर्द मेरी कौम का है कि हमको जलील किया गया। हमारे वोट पर सियासत करने वाले लोग हमें जलील करने का काम करेंगे और बहन जी ने जो सम्मान दिया है मैं उस सम्मान का अपने लफ्जों में उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है जितना सम्मान मुझे बहन जी ने दिया। मतलब की वकालत कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश सरकार हमेशा मुसलमानों की हिताइशी की बात की थी लेकिन आवाज आपने उठाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो ढोंग करते हैं और बहन जी हकीकत में करती है, बस फर्क इतना सा है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।